जब रविदास ने सतगुरु समुदाय ने सत्संग बताया, अगर नहीं बताया कस्टमर बर्थडे कहीं हो रहा। अरे नहीं तो हमें सत्संग की बात कहनी चाहिए, हमें सत्संगी की बात कहनी चाहिए, सतगुरु की विचार प्रवचन बता रहे हैं हमारे जो सतगुरु थे। वे सत शिरोमणि, सत शिरोमणि किसे कहें, सत शिरोमणि से कहें जो आज सतगुरु समाज ने सबका सिर माता पिछुआ दिया गुरु बच्चे, कोई समझे ना समझे। अगर नहीं सत्संग समझा कर हर गांवों में हर देश में हर शहर में सत्संग ही बताया होगा कि सफाई करो शुद्ध हो जाओ अपने घर की गंदगी दूर हो जाओ। अगर नहीं अगर बताई भाई आप दोनों बताओ हम बताई नहीं मैं बताई हूँ तुझे भर घर में सत्संग बताए गुरु गति लगवाई है अगर लगवाई जब गुरु गति लगवाई और गुरु गति लग रही है माता टेक के अपने कर्म का रूपा दो रूपा दस रूपा सौ रूपा धरे कभी पहले भी देख क्या गई सत्संग है जो भंडारी नहीं मैं पहले देखते हूँ तो ये सबको समझाज नहीं क्यों चला हम गुरु किस लिए चलाया हो कि तू बंदे अपने खोटे कर्म काट ले यानी सत्संग में रखे कट जाएंगे खोटे कर्म कर्म तुमने करे हम क्यों ने सतगुण ने तो कोई कर्म नहीं किया तो अखंड है निर्गुण है निर्लेख है निर्बंधन है निर्कल्पना है निरिंचय है। और भाई हम बता रहे कि निर्गुण ये भक्ति करी रविदास 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 ने भी करी होगी भाई सतगुण भी किसी की भक्ति कर लगा क्या सतगुण ने क्या भाग करे क्या कर्म करा जो उन्हें भजन करा उनने इशारा कर दिया जीव को इशारा ना मानने सत का कुठाड़ा जा फसे और भोग्य अपने भोग कर्म के बल या भाई कर्म तो हमने करे क्या कहा सत समाज ने कि सेवा करे तो शरीर की सुख की प्राप्ति और दान करे तो धन और भाइयों भजन करे से जीव का कल्याण है। अगर तीनों चीज हम जीवन ना पकड़ी तो सत्संग लगा नहीं है। आज सतगुरु समाज जी की गलती पर ही हमारे जगह कहे कि भाई तू प्लम्बर हो ये हमें क्या दू कोई जाल मानता हो कहने सब क्या कहे पर भाई आज लोगों को कहा नहीं लोगों हम जाल मंद है या हम मान लो भाई किराया है क्या हो तो बताओ भाई गलती तो सबके गुरु की और सबके गुरु ने सेवा बताई अब सेवक बनना सा न कठिन बनना था जो सत्य लाने में सत्य में रखते आज अगर हम हो रहा है ना तो सतगुरु के बंदे कभी नहीं बनने भाई बंदगी सब करें के महात्मा हो के भगत हो बिना बंदगी बता कौन समझ बस अब श्री जी हो पड़े महाराज राज ने कहा बात तो है जरा सी और गुरु अपने तक करो तलाशी कही रही रात सुनो रे संतो कौन मोरा ज्ञानी निर्गुण का ज्ञान लोगो तम तो मुंह लगाओ पड़े हमने तो मुंह का हिसाब बताया क्या 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 जाए हो तो हम अगर नहीं
लोगों जीव ने क्या क्या कर्म कराया, क्या क्या गन खाई। तो जब सतगुरु सोमनाथ जी को घर घर में समझाना पड़ गया और वैद्य ने समझे, अब भी कहीं कहीं भी जाओगे तब कभी सतगुरु के बंदे गई। सतगुरु सोमनाथ जी ने इशारा कर दिया, हर जगह गद्दी लगती है, ये दिन में लगा या रात को लगे, कभी पार्लर लगी क्या। हर जगह भंडारे हो, उनको भंडारे करवा दिए जिसका प्रसाद खाने का भी मौत है। और भाई रही थी सुबह तान में अट्ठो पार भंडारा चले, किसका चला जो ये उनके भक्तों का चला, गुरु का तो इशारा। वो तो अपनी गलती पर आजवान है, अखानी गलती दे देंगे, गलती का बताए गुरु का बताए सेवा कर सके, लेकिन वो सत सिरों में नहीं बन सकता, अकबर जगह सेवा कर सके। सेवा बताई गुरु ने हम गुरु को, अगर सेवा ना करी तो भाई कहा आगे की समझा। सतगुरु सोमनाथ जी ने क्या कहा, सत्संग करण सभी के लिए मैं गामा कथा विचारा नहीं सार सबद के दर्द। जो अपनी सत्ता को जानेंगे तो अपने धर्म को जानेंगे, जो धर्म को जानेंगे ये पता लगेगा हम कौन से हैं। क्या कहा सतगुरु सोमनाथ जी ने, कि हम आदि से चले गया है भाई, वे कहीं से नहीं चले, हम जीवन में ज्ञान हो गया था पा नहीं के नेतन के मुझे 16 साल तक किया हमारा अगम महान के बासी सबक रूपी हम के लिए काटकर जम की आस्ती कटवाना कटवाना और बाज नहीं कटवाना मत चलो देव पर गुरु कौन सा लोग है तो क्या कह रहे अगर नहीं गुरु किसी को नहीं कह रहे, गुरु किसी को नहीं कह रहे गे, गुरु ने तो इशारा कर दिया। क्या कहे अकबर सतगुरु सोमनाथ तो चले गए भाइयो, सतनबी माँ बाप बनाया क्या कहीं, मगर सतनबी माँ बाप बनाया सतन का नहीं और भाई नेतन के नहीं है, हम ही फिर उल्टा बा उल्टा जावा उल्टी राह चलाई उलट कर देख दापे माफी समाई, सब के अंदर सांस है समाया हनी, अपना संकट काटते अपना सेवा करे अपने गुरु का जो रूपा दो रूपा धरे वो गुरु गद्दी अग नहीं, वो गुरु गद्दी ने गुमाना मेरी भी कुछ गंध काटी, मेरी भी कुछ सनात काटी हो। जब सत बुद्धि हो जाएगी वेतन बुद्धि होगी, या कत देखे पड़े विद्वान होंगे अख होंगे नहीं, जब विद्वान होंगे उन्हें रोजगार नौकरी मिलेगी, अगर नहीं मिलेगी अजमे पढ़ते नहीं, बाप भी पी रहा बेटा भी पी रहा बहुरा झेलना में झेलना है। सतगुरु का इशारा पकड़ो, सतगुरु के सत्संग में खोर की भी बताओ आपको भी समझे है। सतगुरु ने कभी झगड़ा नहीं बताया, सतगुरु ने कहा झगड़े झगड़े से हम अलग है नहीं भाई, रूपा दो रूपा दस रूपा क्या कहा गुरु ने, अकरे कैसा मैसा थारा दान लगवा दिया थारा भंडार लगवा दिया भाई थारा कली आई हो तो तान करो, सुन रहे नहीं सुन रहे सब कैसा लेता है सारी मेहनत कमाई से भंडारे में लग जा सारा कुछ कर्म सुधर जा तुम शास्त्र में बन जाओ है नहीं, तो भाई काल करो बस लगा रहे भाई खाने मत शरीर से रूपा दो रूपा करा करो। सतगुरु सोमनाथ ने साफ जवाब दे दिया, आशीर्वाद कर दिया, कई मांग हो तो अपने कानों घेर बापो सुधे करूंगा। गुरु महाराज अब तो खाले चलवा बड़ी
आगे सत्यम अमर्थन लगे बाड़ी भी राखी होन लगी। अब कहा भाई बात दोगे अब भगा दोगे। क्या कहा गुरु जी ने, बहते को मत पहन दो समझा लगाओ छोड़, कहन सुनन की एक न मन उसे रास्ता दे दो छोड़। कति हो रही रास्ता नहीं जा सकते लेकर कहीं ना भक्तों पे गुरु मरो। क्या कहा गुरु ने, करोड़ रुपये पर धार मार दियो अपने गुरु का पद ना हटा दियो। भाई अपने गुरु के पद में रहो, सतगुरु कहीं नहीं जान देने का, ना मरण में जान देने का, ना जीवन में जाने जान देने का, सदा अपने सत्संग में रखेगा। अगर नहीं रखेगा क्या कहा सतगुरु समदास जी ने, सतगुरु समदास जी ने कहा कि हमने सत्संग का बीज बो दिया, बड़े बड़े देखा नहीं देखते, बंदगी करा नहीं करते, पर बच्चे लंबे होकर करें करा नहीं करते, बच्चे छोटे छोटे लंबे होकर करे बड़ा तो नहीं कर रहे। अरे भाई बजे बजे तो आता भी नहीं, बाकी लग रही बजे बजे तो आता भी नहीं। भाई हमें गुरु महाराज का डर रहना चाहिए, आ बिना भक्ति नहीं, और भाइयों की रे बिना बैराग नहीं। जिसके बैराग लग गया वो सदा अमर होगा। उसके लग गई चार सात्विक विचारिक आचारिक ब्रह्मचारी, उसके लग गई चार साधना, वो चारों तुम तो अलग सक्षम आ गया, पर चारों को जिस धरण गया बदमाशों को तो फिर तो माता देखना ही पड़ेगा, है नहीं? भाई जिस गुरु ने बताया गुरु का बता काम करेंगे तो गुरु हमें कहाँ हटा होगा, अपने स्वास्थ्य में रहें, है नहीं? अगर उनके चरण हो या हो वो तो नौके मिली न, उन्होंने देह पकड़ी, उन्होंने देह का हिसाब बताया, कोई समझे ना समझे देह का हिसाब बताया, ते ही भौतिक दे दी सत्य आ जाएगा भाई, तुम्हें देहिक में आ जाएगा या भौतिक में आ जाएगा, है न, या देवी में आ जाएगा, मुँह अलग है अकल लग नहीं दे लग लग देख लिया अली कोई नाश्ता गाता हम अभी ना चाहता आप नाश्ता। अरे सत्संग तो इसी लाल बताओ है, अब जितना भी बात करो भजन कर लगा ना तो है विकार। अरे भैया आज मैं मारा नहीं गिर भाई, अगर मारा पड़ेगी तो करना पड़ेगा जरूर, जो कोई मारा गिरेगा तो करना पड़ेगा, अब करना नहीं पड़ेगा तो भाई अपना नहीं जो के पिछा छुट जाते हो गया पिछा छुटवाने का अस्तर फिर कोई नहीं गिरेंगे कपड़ा पिछा छुटवा ले पता नहीं कद का कंध लगा या, है नहीं? जो जन में आया मरण में सतगुरु समदास ने कहा, जो जन में आया मरण में सब मोह का भोग, आपे को भी चलना होगा किसका मन में डर बोस हो। यहाँ हवा सिर कर जा क्या कहे भाइयों को से सिर गो यहाँ भूत भाषा होगा। अरे जी तो जी देगा भंडाराज, जी तो जी हरियाणा का लोगो भाइयो तुम पांच क्या मग दे दो, हम क्या भंडारा दे सके, क्या सेवा दे सके, क्या परमर्श दे सके, वो तो जिसके बड़ा उसका लगवा रे भाई, जिसका लगा दी ना वो तो दूर दूर फिरे, वो लावा भी नहीं आता। अरे आज सतगुरु समदास जी ने गद्दी में रूपा दो रूपा दो रूपा सौ रूपा सबका लगवा दिया, इसलिए सबका गुरु भाइयो अकेक सारे संसार का गुरु है। हमारे कान लगकर संख्या बढ़ेगी, जब संख्या बढ़ेगी तो फिर हमने माता टेकना शुरू कर दिया। जब माता टेकना शुरू कर दिया क्या कहा गुरु जी ने, कि हम चारों तरफ लगे
चाम तभी अलग है, हाड़ तभी अलग है, मांस तभी अलग है, खून तभी अलग है। किसान क्या कहा शब्द समाज ने, कि यहाँ की साग लेंगे और वहां की साग लेंगे, जनता वाला काम अलग अलग व्यवस्था, सबका हिसाब दिया जाएगा, चाहे कोई उत्तराखंड में है, चाहे कोई हरियाणा में है, चाहे कोई पंजाब में है, कोई देश में है, कोई विदेश में है, नहीं सबका गुरु और सबका ही कल्याण होने लग गया। और होगा वो खंडाई मन, जब गुरु नु कहे कि शील रतन सबका बड़ा सब रत्नों की खान, तीन लोग की संपत्ता पची शील में आन। तो भाई खीरता की होती अभी मेरे पास अगर मात को दबाओ आपको भी समझो और को भी समझाओ, अगर हम समझदार जो हम समझदार आपको भी समझे और की भी करो नुकान समझ कर समझ कर समंचार और या और समझ मत भी रमज का लो सतगुरु की और या सतगुरु कहीं तुम नहीं है। सतगुरु हमने मीरा ने भी कहा कि नाजिर के में हाजिर है, काफर कहने दूर मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मेरे सतगुरु है भरपूर। तो सर सती सत दिखाई देता, जंगल देख कर अपना रूप निकल रहा सती सत दिखाई देता, अब तुम्हें क्या दिखाई दे दिया सत्संग वालों को, जंगल ठीक नहीं, व्याख्या ठीक नहीं, या तो उसका विश्वास नहीं, अजी विश्वास है गुरु पर छोड़ते, गुरु जो करेगा वो होगा वही हो गया। अग नहीं हम सतगुरु समाधि के चरण में सोए नहीं हुई बच्चे, जब पुछा सी ले तो क्या कहे, क्या नगर किस हमेशा भजन करे किस हमेशा दान करे, या तो या पुछा उड़ाई बना लो अरे या मेरे पर रोगी कटवा लो, तो भाई अपना रोगी कटवा लो नुका घाट घाट तो सब कोई भर गए, वो घट भरा ना कोई, वो घट भरा रविदास जी ने, युक्त आवास हो निर्मल हो। अरे सतगुरु समदास जी ने हर घर में अमृत दे दिया है, दे दिया ना ये अमृत सदा मर रखा, साधना पर हो और अपने गुरु के सारे पर हो। कोई क्या सत्संग हमारे घर में कहा करेंगे बाकी हम, भाई मन के हेम बना शरीर में, बुद्धि के हेम बनी शरीर में, और खोरा बनी भाई मन बुद्धि तो शरीर में ही बना होगा, और चेतना भी शरीर में ही बनी, और दिमाग भी शरीर में ही बना। जब सबको समझाते हैं ललोर खिली में हम अमृत दिया, तो एक ही बोल समझ माया बाद में क्या लगा सदा सती नरक में जाकर नियम को तोड़ा बाबा से खराब होगा। बस सदा सकी जी की तो बस भक्तो न्याद भी नहीं, साधना करो गंदे खान पीन जाओ और छोटो है नहीं, तो सफाई में सत्संग है और बिना सफाई के तो भाई दूर है नहीं। तो अपने गुरु के अटल विश्वास पर हो, जो रखो अपने दिमाग में के जो गुरु करेगा वो होगा, और भाई वो ही होगा कोई और करने का भी है, अपने गुरु में विश्वास रखो। यानी जीव की भी जाना है, निरम की भी जाना है, माया की भी जाना है, हंस की भी जाना है, परमहंस की भी जाना है, आदि की भी जाना है, और वह निर्गुण तो हमारे गुरु है, उसका तो क्या बखान कर लगे, पर सब कुछ दिखाई दे रहा है कि हमारे गुरु ना जीव में है, ना निरम में है, ना माया में है, ना हंस में है, ना परमहंस में, ना आदि हंस में है, नहीं आदि आदि तेज साक्ष रहेगा। यदि जमीन में सारी चीज दिख रही जमेगी,
त्यागी कहाँ जा हर गुरु कहो जब ढावा चुनाई गुणा उधेड़ी कभी अंदर कभी बाहर जैसे कर्म करेगा बंधु ऐसा बढ़ जाएगा विकार भाई ढावा चुने तो सीधी गिर रही और सांस की भी कर देगा कोई अरे इतने बच्चे सादा हो रोज बड़े हो वही हार वही मार वही खून वही चांद अरे आज तो खुदा से दरवाजा मिल गया कोई कोई नहीं इसी में मन बना नुकसान मन बनाए तेरा कुछ नहीं बनता बाजा का मैदान पानी में तो मक्खन निकलता सुख पीना खाता संसार किया मन मेरे सतगुरु सबसदार क्या बिना सबक नहीं लगा क्या उपदेश नहीं लगा अरे जी में लगा जी बैठते हैं अंडर में हम भी खावे और भी खावे कोई भाई उन्होंने सोचते हुए हमें सेवा नहीं करनी सेवा बताई सतगुंड किसी महात्मा ने बनाई या किसी भगत ने बनाई सेवा ने गुरु ने बताई होगी तो मैं सेवा करा क्या कहा तीसरी गली में कि निर्मल से भी निर्मल हो ले देखो सूत सुध है गुरु सुत भी सुध है निर्मल से भी निर्मल हो ले मरा दार और राज दोस्त की होली घूम तो खुल जाएंगे मोक्ष द्वार वो द्वार किसके है हम शरीर के अब गुरु का भी है अरे गुरु से इशारा करे बाद में क्या कहा आसी रहनी गुरुमुख जाने मान बटे दे डाल और कही रे विदास सुन रे संतो मिल जागी सार में सार अरे अपनी सत्ता को पकड़ो अपने धर्म को जानो अपने को जानो हम गए अरे हम भी फिर फिर कहीं कहीं हम अपने गुरु मिले अपने गुरु का बता काम करे देखा कहाँ कावगा बोले क्यों नहीं देगा हमें सेवा क्यों नहीं देगा रोजगार क्यों नहीं देगा ऊपर हम प्रतिज्ञा आस्ती करना रहे हैं क्या कहा खोर खोर का गुरु ने नारे हम खोद रहे हम खोद रहे चिलाई हम कर सारे काम हम कर रहे हैं ज्यादा ना कहूं सबके गुरु और सबके बाप हर बुद्धि सबके गुलाम अभिया गुलाम नहीं आकाश अब सत्संग नहीं छोड़ने का है हम ही तो कहे हमारा तो मर गया रे सत्संग ले के भी नहीं रहा है सब तो मैं वो क्यों बाहर है जीव जीत जीत ने भागा जी तो जीत ना हो शरीर को ले लो साथ तो निकट का कितना होगा बस तो कहते पहला सूरत है जब हम जमा होंगे जाना कहाँ हो है नहीं आज वही सत्संग वही सतगुरु है जिसके नाम गए जा वही सबक वही अमर थमा सबको मिल गया ना मिला तो लोगो ना ही मिला है सत शिरोमणि रविदास महाराज की जय स्वामी ज्ञान भिक्षुक महाराज की जय सतगुरु समंदास महाराज की देखो सतगुरु समंदास जी का आजाद अन्य हमारे आका सूत्रा ने देखा अरे समंदास तो हमने भी देखा और आज सतगुरु समंदास जी की जय बोलती है नहीं और बोलती नहीं है तो शुक्र ताल गुरु गद्दे की जय है गुरु गद्दे की जय शुक्र ताल अगले अपने गुरु मरो किसी के भकाई मनाओ अपने गुरु मर तो लो सतनाम सतगुरु और भाई इतने दिखा रहे बना रहे तो फिर भाग बजा